अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अजगर अहमद है। मैं आपके सामने एक बाज और मछली का वाकया पेश करना चाहता हूँ। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम उस वक्त जिनकी उम्र तकरीबन 9 साल की थी, एक दिन बगदाद में किसी गुजरगाह में खड़े हुए थे और चंद लड़के वहाँ खेल रहे थे। खलीफा मामून की सवारी दिखा दी, सारे लड़के डर के भाग गए और हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अपनी जगह में खड़े रहे। जब मामून की सवारी वहां पहुंची तो हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा कि बताओ कि सारे लड़के डर के भाग गए, पर तुम क्यों नहीं भागे। हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे खड़े रहने से रास्ता तंग ना था, जो हट जाने से वसी हो जाता। मैंने कोई जुर्म नहीं किया कि मैं डरता। मेरा उस नजर है कि तुम बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके बाद मामून आगे बढ़ा, उसके पास एक शिकारी बाल भी था। जब वो आबादीन से बाहर निकल गया तो उसने एक बाज को एक चाकोर पर छोड़ा। बाज आंखों से ओझल हो गया। जब वो वापस लौटा तो उसने उसकी चोंच पर एक छोटी जिंदा मछली थी। मामून ये देखकर बहुत ताज्जुब हो गया। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटा। उसने हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के साथ बाकी लड़कों को देखा जहाँ वो पहले थे। मामून की सवारी फिर देखकर फिर लड़के भाग गए, पर हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम अपनी जगह में ही रहे। जब मामून आगे बढ़ा तो उसने अपनी मुट्ठी बंद करके पूछा कि बताओ कि मेरे हाथ में क्या है। हजरत मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपनी दरियाए कुदरत में छोटी मछलियों को पैदा किया है और सलाती अपने बाज से उन छोटी मछलियों का शिकार करके अहले बैत रिसालत के इल्म का इम्तिहान लेते हैं। ये सुनकर मामून कहने लगा कि बेशक तुम अली बिन मूसे रजा के फर्जन हो। अल्लाहुम्म सल्लम रेफरेंस 14 सितारे अल्लाहुम्म सल्लम मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।